उन्नाव के चर्चित माखी कांड में दुष्कर्म पीड़ित ने वीडियो जारी कर अधिवक्ता राजेंद्र अवस्थी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह की सीआरपीएफ सुरक्षा हटाने की मांग की है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम वीडियो वायरल कर मांग की है कि जिन लोगों को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सीआरपीएफ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब की सीआरपीएफ सुरक्षा व्यवस्था हटा ली जाए। सेवा में न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। सेवा में निवेदन है कि मैं हमारे एक्सीडेंट के केस में देवेंद्र सिंह व पिता सुषपाल सिंह अजय अवस्थी एडवोकेट, ये लोग मिलकर के हमारे मुकदमे व चाचा के मुकदमे सब बर्बाद कर दिया है। ये लोग ना मेरे पैरोकार हैं ना ही किसी प्रकार के अधिवक्ता हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके सीआरपीएफ की सुरक्षा प्राप्त की है। इन लोगों ने मिलकर कोर्ट को गुमराह किया और मेरे चाचा को 307 मुकदमे में सजा दिलाने में अजेंद्र अवस्थी व देवेंद्र सिंह का भी हाथ है। मेरा सभी अधिकारियों से व प्रधानमंत्री महोदय जी से व मुख्यमंत्री महोदय जी से व मुख्य न्यायाधीश महोदय जी से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, इनकी तत्काल सुरक्षा हटाई जाए। कई हमने प्रार्थना पत्र दिया इन लोगों के खिलाफ, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही सीआरपीएफ के अधिकारी मेरा फोन उठाते हैं। बस मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन लोगों की सुरक्षा तत्काल हटाई जाए। आपकी सदा आभारी रहूंगी, आपकी कृपया होगी, धन्यवाद सर। फिलहाल पीड़िता ने वीडियो जारी कर इन लोगों की सीआरपीएफ सुरक्षा हटाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद शासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।